हमारे चैनल साइंस जोन में आपका स्वागत है। लेट्स बिगिन। 23 मई को अमेरिका ने चीन के सामने शक्ति परीक्षण के लिए लेजर हथियार का टेस्ट किया, जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा भी हुई। लेकिन भारत के पास उससे भी खतरनाक एक हथियार है। भारत का शक्तिशाली हथियार काली, भारत का विनाशक हथियार काली, दुश्मन के अत्याधुनिक हथियारों को नष्ट करने में सक्षम, इसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक चिप लगे उपकरणों को कर सकता है तबाह। चीन और पाकिस्तान काली के नाम से ही कांपते हैं। काली का पूरा नाम किलो एम्पियर्स लीनियर इंजेक्टर है। इसे बारक और डीआरडीओ ने मिलकर विकसित किया। भारत का शक्तिशाली हथियार काली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का तूफान पैदा करने वाला यंत्र है, जो सेकंड के अंदर भारी मात्रा में तरंगों की बौछार करता है, जिससे ये अपने संपर्क में आने वाले किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को ठप कर देते हैं। लड़ाकू विमानों, टैंकों, मिसाइलों, ड्रोन और सैटेलाइट में कई तरह के सर्किट और इलेक्ट्रॉनिक चिप होते हैं, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के प्रहार के कारण काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से ये अत्याधुनिक मशीनें पल भर में कबाड़ का ढेर बन जाती है, जिसके बाद इसके अंदर मौजूद हथियारों में विस्फोट हो जाता है और काले के अंदर छोटे छोटे संयंत्रों के अंदर भारी मात्रा में ऊर्जा को संग्रहित की जाती है, जिन्हें चार्ज करने के बाद किसी भी वक्त एक झटके से अपने लक्ष्य के ऊपर फेंका जा सकता है। इसकी कार्यप्रणाली को आसानी से समझने के लिए घरेलू कैपेसिटर और कंडेंसर तो गौर से देखिए, जिसमें ऊर्जा एकत्रित होती है, जिसे छूने से करंट का झटका लगता है। इसी तरह काली में भारी मात्रा में ऊर्जा संग्रहित करने वाले कैपेसिटर ये संयंत्र लगे होते हैं, जिसमें एकत्रित ऊर्जा दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जाम कर सकती है। कैसे तैयार किया गया काली? काली के जनक बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर आर चिदम्बरम थे। उन्होंने इसकी शुरुआत सन 1985 में की थी और बहुत सारी कागजी कार्यवाही करने के बाद इसकी शुरुआत 1989 में हुई। इस पर पिछले कुछ 3 दशकों में लगातार काम चलता रहा। इसके बीच यहाँ पे इसके कई मॉडल्स तैयार किए गए। सबसे पहले काली का मॉडल काली 80 विकसित की गई। इसके बाद अनेकों मॉडल तैयार किए गए। काली के निर्माण की प्रक्रिया में BARC यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और DRDO यानी रक्षा विज्ञान और अनुसंधान संस्थान दोनों जुड़े हुए हैं। भारत का सीक्रेट मिशन काली। एक सीक्रेट मिशन होने के कारण भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से कोई बयान जारी नहीं किया है अभी तक। अभी सिर्फ इसके बारे में बुनियादी जानकारियां ही बाहर आई है। भारत की रक्षा क्षमता के लिए यह प्रोजेक्ट इतना इम्पोर्टेंट है कि सरकार ने इसके बारे में संसद में हुई बहस में भी जानकारी देने से इनकार कर दिया। न्यूज़ एजेंसी PTI से प्राप्त जानकारी के मुताबिक 14 जुलाई 2018 को लोकसभा में काली 5000 से संबंधित सवाल पूछा गया था कि क्या काली 5000 को देश के रक्षा विभाग में शामिल करने का कोई प्रस्ताव है, अगर हाँ तो इसके बारे में बताया जाए। लेकिन तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पार्रिकर ने इस बारे में राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया था, जिस कारण से ये अभी भी सीक्रेट है। नीचे कमेंट बताइए आपको वीडियो कैसा लगा और मैं और मेरी टीम ऐसी वीडियो रोजाना लाते रहते हैं।